त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन। ओबीसी महासभा ने रखी मांगे। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 51% आरक्षण लागू किया जाए। मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। शिवपुरी में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। भीम सेना ने ओबीसी को समर्थन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि शासन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े वर्ग की लगभग 50% आबादी निवासरत है और मुखिया भी ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं। समान परिस्थितियों के बावजूद ओबीसी वर्ग के प्रबुद्ध जन, युवाओं और छात्र छात्राओं के हित पर सत्ता प्रशासन में बैठे अधिकारी कुठाराघात कर रहे हैं। इसका कारण है कि आज़ादी से आज तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और प्रशासन के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत विचाराधीन याचिकाओं में लंबित निर्णायक भूमिका में ओबीसी वर्ग का जातिगत आंकड़ा वर्तमान में उपलब्ध नहीं कराया गया और भोले भाले ओबीसी वर्ग को ठगने की कोशिश, निम्न प्रशासकीय क्षमता, लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था लागू का ना करना, गैर मानवतापूर्ण कुकृत्य, तानाशाही पूर्ण रवैया संविधान में अविश्वास की धारणा को अंकित करता है, जो कि लोकतांत्रिक देश का अपमान है। बगले एडवोकेट आज जिलाध्यक्ष 24 यूनाइटेड फ्रंट आज आवेदन किस लिए दिया है? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर निकाय में जो आरक्षण समाप्त कर दिया है, उसके विरोध में समस्त पिछड़ा वर्ग ने समस्त मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज ज्ञापन दिया है कि हमको संख्या के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी पंचायत चुनाव में, नगर निकाय में और विधानसभा और लोकसभा में पारित किया जाए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एट्रोसिटी का जो कानून पारित किया था, तो जब सब लोग, हम भी सब 85 एक साथ में हैं, इसी तरह राज्य सरकार, केंद्र सरकार अनुसूची 9 में डाल के इसको हमारा संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करे, इसके संबंध में हमने ये ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में दिया है। यदि आपकी मांगे सरकार नहीं मानती तो आगे आप क्या करेंगे? यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम और वो पूरे आंदोलन करेंगे और सब जाम कर देंगे। क्या इस बीच के चुनाव भी संपन्न होने देंगे या नहीं? इस हिसाब से तो जब हम पिछड़ा वर्ग तो विरोध करता है इस चुनाव का, और यदि हमको इस चुनाव में हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग को नहीं मिली है ना, तो हम वोट भी नहीं करेंगे इसमें। चुनाव को बहिष्कार कर देंगे। वोट भी नहीं।